हेलो सलूटेक में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पहले ब्लॉग में जो कार चलाना सीखी है, वो पहले ब्लॉग में सिर्फ मैंने कार का बेसिक फीचर्स के बारे में आपको बताया है। तो आज हम कार को चला के आपको दिखाएंगे कि कार कैसे चलाई जा सकती है, जैसे कि कार को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम कार के अंदर चलते हैं। चलो हम अपनी कार के पास हम आ चुके हैं। हमको की लगानी है, की लगाने के बाद हम दूसरा वाला ब्रेक और सिर्फ तीसरा वाला एक्सीलेटर है। हमारा राइट साइड के पैर से हम सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर को ही ऑपरेट करेंगे। ये पूरी मूव कर रही है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। हम उसको फर्स्ट गियर में डालेंगे। फर्स्ट गियर में डालने से पहले हमको क्लच प्रेस करना पड़ेगा। क्लच प्रेस करने के बाद हम लेफ्ट साइड को पुश करेंगे, आगे टक्कर दीजिएगा तो फर्स्ट गियर में लग चुकी है। ऐसे ही हम पीछे खींचेंगे तो वो दूसरा गियर में लग चुकी है। तीसरा गियर लगाने से पहले हम बीच में आ चुकी है। अभी न्यूट्रल ए पूरे न्यूट्रल है तो तीसरा गियर में डालने के लिए सिर्फ उसको आगे प्रेस कीजिएगा। तीसरा गियर में लग चुकी है और फोर गियर में डालने के लिए सीधा पीछे खींच लीजिए। ये फोर गियर में लग चुकी है। फाइव गियर में डालने से पहले उसको राइट साइड मूव करना पड़ेगा और बाद में आगे टक्कर देने पे फाइव गियर में लग चुकी है। ऐसे ही हमको रिवर्स लेने से राइट साइड मूव कीजिए, बाद में पीछे खींचिए। इसलिए वो जैसे कि आप मान लो हम बस गियर में चल रहे हैं और हम सेकंड गियर डालना चाह रहे हैं, तो हम सेकंड गियर डालने से पहले हम नीचे नहीं देख सकते, क्योंकि नीचे देखने गए तो हम आगे का हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप गियर आँख बंद करके भी लगा सके। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आप कि आँख बंद करके भी आप आराम से गियर ऑपरेट कर सके। ये हमारी हैंड ब्रेक, ये अभी लगी हुई नहीं है, तो उसको हम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे वाले बटन को प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचे, हैंड ब्रेक लग चुका। अब हैंड ब्रेक को हम फिर से रिलीज कैसे करेंगे, आगे का बटन पुश कीजिए, छोड़ दीजिए उसी की पोजीशन में। हैंड ब्रेक अब रिलीज हो चुकी है। पहले अपनी हाइट के हिसाब से अपनी सीट को एडजस्ट कर लीजिए। ऊपर खींचने के बाद अपनी हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपको आगे का बोनेट की व्यू अच्छे से दिख सके। फिर हम कार स्टार्ट करते हैं। कार का सेल लगाने से पहले आप क्लच प्रेस करके ही रखिएगा। हम सेल लगाते हैं। अब कार चल पड़ी, अब हम इसको फर्स्ट गियर में डालेंगे। मैम तो प्रेस कीजिए, बाद में फर्स्ट गियर में कार को डाल दीजिए। डाल दिया और क्लच को दूसरा पैर एक्सीलेटर पर मत रखिए, ऐसे ही उसको थोड़ी थोड़ी रिमूव कीजिए तो ये आगे जाने लगी। क्लच को दबाएंगे और रिवर्स गियर में कार को डालेंगे तो फिर से हम एक्सीलेटर को प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ क्लच को आसानी से रिमूव करेंगे तो ये कार आसानी से पीछे जा रही है। ऐसे ही आपको 10-15 बार प्रैक्टिस कर लेनी है आगे पीछे करने की, और आपका क्लच की भी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आपकी कार कभी उठाने के समय बंद न हो। मैंने सीखी है। अब हम कार चलाने से पहले आप सेफ्टी फर्स्ट सीट बेल्ट जरूर लगाइए। सीट बेल्ट लगाइए और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। चलो फिर हम चलते हैं। पहले हम कार चालू करते हैं। क्लच हमने कार स्टार्ट कर ली, बाद में हम क्लच को प्रेस करेंगे और फर्स्ट गियर में कार को लगा देंगे और हैंड ब्रेक को रिलीज कर देंगे। और हम जैसे क्लच धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे और वैसे ही हम एक्सीलेटर हमारा थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए ताकि हमारी कार अच्छे से चल पाए। अब आप स्टेयरिंग को भी अच्छे से देख लो कि कितना लेफ्ट घुमाने पे लेफ्ट साइड जाएगी और राइट घुमाने पे से राइट साइड जाएगी। और हम हमारा तीनों शीशे हमने हमारी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर लिए ताकि पीछे आने वाली कार को हम अच्छे से देख सकें। अब हम थोड़ा गाड़ी को तेज करेंगे। 10 की स्पीड आने पे हम सेकंड गियर को लगा देंगे। आपको सिर्फ अभी फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही चलाना है और सिर्फ 20 की स्पीड के ऊपर नहीं चलाना है। आपको अभी चलाना है तो आप खुले मैदान में जा सकते हो। ये मेरे गांव का खाली रास्ता है, वहां पे कोई आता जाता नहीं, इसलिए मैं इस रास्ते पे आपको सिखाने के लिए लाया हूँ।
मैंने आपको कार के हर एक फीचर्स के बारे में बताया है और कार को चला के भी दिखाई है, तो आप प्लीज़ वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, आप घर पे रहकर या फिर मैदान में जाके कीजिए, लेकिन लाइसेंस के बिना मत कीजिएगा प्लीज़, आपकी सेफ्टी फर्स्ट है इसलिए। और आपने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके मेरा पहला ब्लॉग पहले देखिए, बाद में ये वाली ब्लॉग देखिए, ताकि आपको कार आसानी से आ जाए। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिले। कि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमारी कोरोना की महामारी अब चल रही है, तो आप प्लीज़ मास्क पहनिए और हाथ को सैनिटाइजर करते रहिए। थैंक यू।